सरहरि सिंह गौर ने सागर को बहुत बड़ा विश्वविद्यालय दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को कि सागर के प्रथम प्रवास पर सागर की सबसे पुरानी मांग थी कि यहां राजकीय विश्वविद्यालय दिया जाए। पहले आगमन पर पहली घोषणा मुख्यमंत्री जी ने सागर में राजकीय विश्वविद्यालय की। जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4,000 रुपए तक प्राइस बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर। भारत का दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के दिल इस सागर में, सागर के दिल की गहराइयों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के साथ आए हुए तमाम उद्योगपतियों का मैं बुंदेलखंड और सागर के निवासी के नाते दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आज भी याद है, मैं 2-3 बार इस बात को कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जब पहली कैबिनेट हुई, उस पहली कैबिनेट में हम लोग बोलते, उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बुंदेलखंड की चिंता है, बुंदेलखंड के विकास की चिंता है। आज वो समय आ गया, आज 27 तारीख रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर और बुंदेलखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो एक दृष्टि और सोच बनाई, हम सारे बुंदेलखंड वासी इस बात के लिए याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। आदरणीय साथियों, सागर नगर सरहरि सिंह गौर की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। सरहरि सिंह गौर ने सागर को बहुत बड़ा विश्वविद्यालय दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को कि सागर के प्रथम प्रवास पर सागर की सबसे पुरानी मांग थी कि यहां राजकीय विश्वविद्यालय दिया जाए। पहले आगमन पर पहली घोषणा मुख्यमंत्री जी ने सागर में राजकीय विश्वविद्यालय की। यह उनकी दूरदृष्टा और सोच का परिणाम है। सागर में कैंसर अस्पताल नहीं है। हम लोगों ने मांग की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी ही कैंसर अस्पताल के उपकरण सागर में दे दिए जाएंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सोचते थे सागर में कि कब हमारा सागर, कब हमारा बुंदेलखंड भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसी श्रेणी में आएगा, लेकिन अब वो समय दूर नहीं है जब आपकी कृपा से बुंदेलखंड और सागर संभाग भी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े महानगरों जैसा स्थापित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उद्योगपति तो लाए हैं, मध्य प्रदेश के और देश के व्यापारिक उद्योगपति भी लाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने की है, हमारे जो क्षेत्रीय उद्योगपति हैं, ये क्षेत्रीय उद्योगपति इसलिए उत्साहित हैं, इनको भी आपने काम करने का मौका दिया, इनको भी आपने उठने का मौका दिया। आज सामने देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकांश युवा उद्योगपति बैठे हैं, इनके चेहरों पर जो खुशी है वो खुशी हमने देखी। मैं परसों एक कार्यक्रम में आया था, सारे लोग कह रहे थे, खास करके युवा उद्योगपति जिनको आपने अभी इनाम दिया है, जिनको आपने अभी सम्मानित किया है, वो कितने खुश और उत्साहित हैं। छोटे छोटे उद्योग वो लगाएंगे, जो सपना उनने देखा था
वो सपना उनका साकार करने का मौका अब आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार गाड़ी में हम लोगों से कहा था, अचानक मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि सागर में बड़ी उद्योग के क्या हाल है। देखिए, ये आपकी चिंता, बीड़ी उद्योग 100 साल पुराना है, हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से यहां लाखों मजदूर बीड़ी बनाकर अपना घर चलाते थे। एक पत्रकार महोदय हमसे परसों पूछ रहे थे, मैं यहां आया, कि बीड़ी के अलावा और क्या है। अरे भैया, इतने सारे उद्योगपति, इतना उद्योग, इतना इन्वेस्टर्स मुख्यमंत्री जी करा ही रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, उनके मन में पीड़ा, उनके दिल में ये बात थी कि सागर में एक जमाने में लाखों मजदूरों को काम बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग से मिलता था। आज उन्होंने कहा कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे केंद्र हो, GST हो, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। इससे भी पूरे गांव गांव का मजदूर उत्साहित है, यहाँ के उद्योगपति उत्साहित है। हम देख रहे हैं, हमारे सामने बड़ी उद्योगपति बैठे हैं, सबको खुशी की लहर है। कम से कम आज तक किसी ने सोचा, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, मैं क्षमा करना, बड़ी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये छोटी छोटी काम की सोच, कुटीर उद्योग की सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी में है। मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा भाषण ना देके बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बुंदेलखंड के नौजवानों की तरफ से, बुंदेलखंड के प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से, यहाँ की माताओं बहनों की तरफ से, जिनके रोम रोम में हर्ष व्याप्त थे। आज पूरे बुंदेलखंड की जनता, आम जनता उत्साहित है, प्रफुल्लित है, क्या होने जा रहा है। हम सबको विश्वास है कि आपका एक कदम, जो खास करके संभागीय स्तरों पर, मैं अभी बैठा था, हमारे बाजू में पंकज ओसवाल जी बैठे हैं, JP भाई हमारे मित्र बैठे हैं, सभी लोग कह रहे थे कि राजस्थान, मैं किसी प्रदेश की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बहुत अवसर हैं, और मध्य प्रदेश में जो छोटी छोटी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, संभागीय स्तर पर जो बढ़ावा दे रहे हैं, यह मध्य प्रदेश में आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं संबोधन कुछ भूल गया था, जल्दी अति उत्साह में आकर मैं हमारे एक और डायमंड नगरी के सांसद, हम सबके प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी का दिल से स्वागत करता हूं, हमारे चेतन कश्यप जी उद्योग मंत्री का स्वागत करता हूं, हमारे सभी उद्योगपतियों का, सभी हमारे मंच पर विराजमान हमारे मंत्री धर्मेंद्र जी, हमारे मंत्री लाखन जी, हमारे विधायक साथी, हमारे शैलन जी, भूपेन जी, भार्गव जी, सभी मित्र साथी जो सामने बैठे हैं विधायक, सबका बहुत बहुत दिल से, हृदय से स्वागत है। सभी उद्योगपतियों का स्वागत है, सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत है। जो भी कमी रह गई हो अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी आपने की है, इससे सभी लोग उत्साहित हैं। एक बार पुनः आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4000 रुपए तक प्राइस बेनिफिट, सेंट्रल हीरो सागर।